हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। यह है मेरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर फिफ्थ वीडियो है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ आज हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो हमारा स्फेयर है इसका वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो स्फेयर है इसके लिए मैं डीएल वेक्टर का फॉर्मूला लिखता हूँ, जो कि मैंने पहले वीडियो के अंदर डेराइव करवा दिया है। तो जो डीएल वेक्टर है वो इक्वल टू आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डी आर आर केप प्लस आर डी थीटा थीटा केप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई केप। यहाँ जो डीएल वेक्टर है वो हमको क्या बता रहा है कि मान लीजिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई एल वेक्टर है और उसके अंदर हमने डीएल वेक्टर का इंक्रीमेंट किया है, तो जो वो इंक्रीमेंट होगा वो हमारा इक्वल टू होगा डी आर आर के प्लस आर डी थीटा थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई के। तो हमने जब एल वेक्टर के अंदर डीएल वेक्टर का इंक्रीमेंट किया तो जो आर के पी डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ वो है हमारा डी आर, थीटा के पी डायरेक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ वो है आर डी थीटा, और जो फाई के पी डायरेक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ वो है हमारा आर साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ पर ये तो हमने लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट निकाला है, तो अब हमको वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट निकालना है। तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो dv होगा वो क्या होगा, जो r के पल डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो इंटू जो थीटा के पल डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो r d थीटा, और जो फाई के पी डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा d फाई। तो ये हमारा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर अगर हम वॉल्यूम के अंदर स्मॉल चेंज करें तो वो स्मॉल चेंज हमारा इक्वल टू आएगा डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। वॉल्यूम के अंदर चेंज का मतलब जो तीनों डायमेंशन के अंदर जो चेंज हुआ है उन सब का मल्टीप्लीकेशन, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। वॉल्यूम के अंदर चेंज का मतलब जो तीनों डायमेंशन के अंदर जो चेंज हुआ है उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। डी वी इक्वल टू फर्स्ट डायमेंशन के अंदर चेंज इंटू सेकेंड डायमेंशन के अंदर चेंज इंटू थर्ड डायमेंशन के अंदर चेंज। अब जो यहाँ पे डी वी है इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, तो जो डी वी है वो इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो अब यहाँ से वी कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब एक स्फीयर बनाने के लिए जो डी आर है मतलब जो रेडियस है उसके अंदर कितना चेंज होना चाहिए, उसके अंदर चेंज होना चाहिए 0 से लेके आर तक का, तभी हमारा एक आर रेडियस का स्फीयर बन पाएगा। और जो थीटा है उसके अंदर कितना चेंज होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 से लेके पाई तक का, और जो फाई है उसके अंदर चेंज होना चाहिए 0 से लेके 2 पाई तक का। तो ये जब सारे चेंज होंगे, आर के अंदर इतना चेंज होगा, थीटा के अंदर इतना चेंज होगा, और फाई के अंदर जब इतना चेंज होगा तभी हमारा एक स्पेयर बन पाएगा। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 to r साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ पे आर क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो आर क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी फाई। अब जो ये लिमिट है वो हमारी थीटा की है, तो अब हम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, और इसकी लिमिट है 0 to पाई डी फाई। ये इक्वल्स टू हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, ये लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 0 to 2 पाई डी फाई। ये इक्वल्स टू हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 इंटू 2 इंटू 2 पाई। तो जो वॉल्यूम है हमारा वो आ जाएगा इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब बाई 3, या यहाँ से जो वॉल्यूम है वो इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने यहाँ पे जो स्पेयर है उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला डेराइव कर दिया है। तो यहाँ तक हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।